जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया। और थोड़ा सा मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों, लाल सिंह चड्ढा जो पिक्चर इन्होंने बनाई है, एक ऐसा व्यक्ति जो पहले हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है, उनका पोस्टर लगाता है, लापता बताता है और उनकी बेइज्जती करता है। ये काम कभी उसने अपने धार्मिक चीज़ों के ऊपर किया है? जिस धर्म से वो बिलोंग करता है, क्या उस धर्म के साथ उसने कभी ये किया है? लेकिन हमारे जो हिंदू लोग हैं, उन्होंने इस जो कड़वे घूंट को चुपचाप पी लिया। और जो हमारी मान्यताएं हैं, हिंदुओं की जो मान्यताएं हैं, उनका बार बार ये लोग मजाक उड़ाते रहे और मजाक उड़ाते हैं टीवी में और इनकी जो अलग अलग मूवीज़ आती हैं उनमें। दोस्तों, जो अभी जो नेक्स्ट मजाक उड़ाया है ना, वो है इंडियन आर्म फोर्सेस का, जिससे मैं बिलोंग करता हूँ और मेरे ऐसे बहुत सारे सैनिक हैं और बहुत सारे देशभक्त लोग हैं जो अपनी सेना को सर्वोच्च मानते हैं और उसके प्रति रिगार्ड रखते हैं। कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा इस देश के अंदर जो अपनी इस सेना के लिए रिगार्ड नहीं रखता है, सम्मान नहीं रखता है? आज मैं आपको छोटे छोटे चीज़ें बताऊंगा जिनसे मुझे ऐतराज़ है कि इन्होंने दिखाया है कि एक लो आईक्यू वाला बंदा इंडियन आर्म फोर्सेस में जाता है। लो आईक्यू, जिसका आईक्यू ही लो है, ना तो ठीक से ट्रेनिंग कर सकता है, ना वो ठीक से गन चला सकता है, ना वो चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकता है। तो ऐसा व्यक्ति वॉर में यानी कि युद्ध में उसको भेज दिया जाता है। यार ये किसका दिमाग है यार? इंडियन आर्म फोर्सेस में आज तक कोई भी लो आईक्यू वाला बंदा नहीं लिया गया है। सबके प्रॉपर टेस्ट होते हैं, सबका मेडिकल होता है, सबके फिजिकल होता है, सारी चीज़ें जांच ली जाती हैं, उसके बाद ही उसको इंडियन आर्म फोर्सेस में ज्वाइन कराया जाता है। मानसिक स्थिति उसकी चेक की जाती है। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, लो आईक्यू वाला बंदा इंडियन आर्म फोर्सेस में जा रहा? तो ये जो चीज़ है दोस्तों, ये विश्व भर में हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस की पूरी बदनामी करता है कि हमारे यहाँ पर इस तरह के लोग हैं, हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस में इस तरह के लोग हैं जो लो आईक्यू वाले हैं और वो वॉर में जाते हैं। सो इसके पीछे की कहानी मैं बता देता हूँ दोस्तों। ये चीज़ थी अमेरिका में ये चीज़ की गई थी। वहाँ पर वियतनाम वॉर से लोग बहुत ज़्यादा मर रहे थे वियतनाम वार में, तो वहाँ पर क्या किया था कि भैया एक डमी चाहिए हमको मरने के लिए, वहाँ पर जाए और मर जाए। लेकिन जो रियल सोल्जर्स हैं, जो इनके बैकबोन थी अमेरिकन्स की, जो बैकबोन मतलब रियल सोल्जर्स थे, उनको पीछे रखा जाता था और जो डमी टाइप के जो लो आईक्यू वाले बंदे थे उनको भर्ती किया गया, जानबूझकर भर्ती किया गया था लो आईक्यू। और पूरे के पूरे लो आईक्यू वाले लोग थे, उनको लीड करने वाले भी उसी तरह से लोग थे कि भैया डमी जाने दो, ये तरह मरने दो इनको, लेकिन जो रियल सोल्जर्स हैं, रियल फाइटर्स हैं, वो पीछे रहें। सो यहाँ पर मैं कहूँगा कि भैया इन चड्ढा लाल जी को और आमिर खान को देश की सेना से माफ़ी मांगनी चाहिए और हिंदुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए जो आज तक इन्होंने कृत किए हैं। और आज ये कृत मैं कहूँगा कि पूरा का पूरा घड़ा भर गया है इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर। इतना बड़ा एलिगेशन, इतनी बड़ी सारी चीज़ें एक सैनिक कभी नहीं झेल सकता। तो जितने भी सैनिक हैं, मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसको अपने सभी सैनिक भाइयों तक पहुँचाएँ और बताएँ कि भैया देखो, हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस को किस तरह से ये विश्व पटल पर बदनाम कर रहा है। सो ये जो बदनामी है दोस्तों, एक सैनिक और देश का एक सैनिक कभी नहीं सहेगा। और मैंने वो प्रोग्राम भी देखा था, उस बंदे ने सब सलूट मार रहे हैं उसकी ब्रेवरी को, उस लेडी की ब्रेवरी को सलूट मार रहे हैं, और ये बंदा वहाँ पर चुपचाप खड़ा हुआ है, अपना उसने हाथ तक नहीं उठाया। इवन अमिताभ बच्चन ने सलूट किया, सम्मान किया, और ये बंदा वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहा। तो मैं कहूँगा, और जिस इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर ये पिक्चर बना रहा है, उन्हीं लोगों का ये सम्मान नहीं कर रहा है। सो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोगों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है, हमारे दिल में कोई इसके लिए ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जय हिंद, जय भारत।